दोस्तों अब हम लोग आए हैं अंजनी महादेव मंदिर। बहुत कड़ाके की ठंड है और नज़ारे बहुत मनमोहक हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं पूरा इक्विपमेंट्स के साथ हम लोग चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कठिन चढ़ाई है बट मनोरम दृश्य है। लोकल पीपल बहुत हैं और हम लोग चल रहे हैं और देख रहे हैं चीज़ों को कि कैसे करना है। लॉट्स ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। शिव जी की भक्ति आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे गीत और भजन चल रहे हैं और एक अलग ही फीलिंग है। चढ़ना मुश्किल हो रहा है बट अब शिव भक्ति करनी है। ठीक है मैं मिलूंगा। ओके दूर है थोड़ा, आपको आवाज आ रही होगी। और स्लिपरी बहुत है, बूट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं। ऊपर है क्या? हाँ? और इधर क्या है? इधर ऊपर शिवलिंग है ना सर। अच्छा ऊपर शिवलिंग है, वो वहाँ पर जो इधर पंडित जी रहते हैं। ऐसा है ना सर, मंदिर इधर है, शिवलिंग ऊपर है। ऊपर ये देखिए एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी चल रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं और बहुत ही अच्छा दृश्य है। वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। वेरी गुड। सबसे बड़ी बात है कि बर्फ बहुत है, बहुत ज़्यादा बर्फ है। बूट्स बहुत काम दे रहे हैं, ऑर्डिनरी बूट्स यहाँ नहीं चल सकते। आप देखिए बर्फ, बहुत प्रॉपर बर्फ है। देखिए बर्फ, इतना ऊपर तक है। रिलैक्स एंजॉय करने आए, एंजॉय करो सर। एंजॉय नहीं, भक्ति करने आए। करो सर। पांडे जी हाँ, ये देखिए पांडे जी भी आए हैं। हाय हाय। और अभी हम लोग जा रहे हैं वो शिव जी का मंदिर, यहाँ पे सीधे शिव जी की ऊपर से। बहुत ही विहंगम दृश्य है, बहुत ही ज्यादा, और बर्फ ही बर्फ है, पूरी तरह बर्फ ही बर्फ है। लगभग टेम्परेचर यहाँ का होगा 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ लगता है ऐसे ही होगा। बर्फ देखिए, सिर्फ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ये सीढ़ियाँ देखी जा रही है शिवलिंग के पास, तो अभी बहुत चढ़ना पड़ेगा, बहुत चढ़ाई है, लेकिन आप लोगों को ये दिखाने के लिए ज़रूरी है। चलिए चलते हैं। इस
फिसल भी रहा है बहुत। जूते चप्पल बना है यार ना, कैसे जाओगे? बाबा ले जाएगा। क्या हुआ? आओ उतारो यहाँ से, जूते उतार देने। अरे आओ यार, या भक्ति कर लो या फिर वो जूते यहीं उतारने पड़ेंगे और बहुत दूर है, देखते हैं कैसे जाते हैं। आओ पंडित जी, यहाँ रख दो। अब हम लोग ऐसे मत करिए, अब हम लोग पैदल चल रहे हैं। थोड़े हाथ बढ़ाने पड़ेंगे पांडे जी आपको। चलिए, जय बाबा की, जय बाबा की, जय बाबा की। अरे यार पैर जवाब दे गए एकदम, अब पैर नहीं चल रहे। एक बात लेकिन आपने गौर करिए पांडे जी, ये शिव जी के जितने भी स्थल हैं, दे आर लाइक अलग ही है उनकी भक्ति, नहीं हाईएस्ट पॉइंट पे। तो आप देख सकते हैं बर्फ में नंगे पैर चल रहे हैं हम लोग, पूरी सीढ़ियां नंगे पैर चल के। बाबा भोलेनाथ, लेकिन बाबा की कृपा चाहिए ना तो करना पड़ता है। पांडे जी आगे आगे जा रहे हो आप मुझसे? जितना आप ऊपर जाते हो ना उतना आपकी सांस फूलती है। और हम लोग जैसे कि लखनऊ से हैं, पहाड़ों से कोई नाता नहीं है, तो इट गेट्स वेरी डिफिकल्ट। फिर क्या कर सकते हैं, बाबा के दर्शन करने करने तो करने। दृश्य आप देखते रहिए, बहुत विहंगम दृश्य है, अच्छा लगेगा आपको। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके पास गट्स होने चाहिए, एक डिटर्मिनेशन लेवल होना चाहिए। देखिए हम लोग कितनी दूर तक पहुंच रहे हैं। अभी और सीढ़ियां बाकी हैं, ये देखिए। बाबा की कृपा सब पे बनी रहे और बाबा सबको अपना आशीर्वाद दे। ये देखिए, सॉरी सांस फूल रही है, मुश्किल है थोड़ा, लेकिन ठीक है। ये देखिए झरना, सबसे टॉप पॉइंट में हम लोग। पांडे जी क्या है यहाँ से? अच्छा देखिए हम पहुंच चुके हैं हम लोग बाबा के दर्शन के लिए। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये भोलेनाथ बाबा यहाँ इतनी ठंड में, कड़ाके की ठंड में, इतनी बर्फ में यहाँ किस तरह से रह रहे हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग आए हैं पर बाबा की भक्ति सब कुछ करा देती है। जय भोले बाबा।